मंगलवार को करीब 18 घंटे की काउंटिंग के बाद बिहार में नतीजों की तस्वीर साफ हो गई। एनडीए 125 सीटों के साथ सत्ता बचाने में कामयाब रहा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू रही। पिछली बार के मुकाबले जेडीयू की सीटें 28 घटी हैं और वो 43 सीटों पर आ गई। वहीं भाजपा 21 सीटों के फायदे के साथ 74 सीटों पर पहुंच गई। आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा, जिसे 75 सीटें मिली। उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अगले मुख्यमंत्री को लेकर कयास शुरू हो गए हैं। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कह दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की जगह लेने का कोई सवाल नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि ये हमारी प्रतिबद्धता है, इस पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक चुनाव में कोई अधिक सीट जीतता है, कोई कम जीतता है, लेकिन हम बराबर के भागीदार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सियासी चर्चा का केंद्र पश्चिम बंगाल हो गया है, जहां अगले साल अप्रैल से मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 10 साल से सत्ता में है। बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल मई में अगले साल खत्म हो रहा है, निश्चित तौर पर उससे पहले चुनाव हो जाएंगे। बता दें कि 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला था। तृणमूल कांग्रेस ने 44.91% वोट के साथ 211 सीटें जीती थी। भाजपा ने 291 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 3 सीटें जीती थी। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। 2 साल के सियासी उतार चढ़ाव के बाद हुए उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें जीतकर भाजपा 107 से 126 सीटों पर पहुंच गई है, जो बहुमत के आंकड़े से 115 से 11 सीटें ज्यादा है। कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। उपचुनाव के स्पष्ट जनादेश से साफ है कि जनता ने शिवराज सिंह पर भरोसा जताया है। कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे में 19 में से 13 लोगों ने जीत दर्ज की। एलएसी पर कई महीनों से तनातनी खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक एरिया से सेना पीछे हटाने पर राजी हो गए हैं। भारत और चीन 3 दिन तक रोज 30% सैनिक वापस बुलाएंगे। सैनिकों की वापसी 3 फेज में होगी। समझौते के तहत दोनों देशों के सैनिक इस साल अगले साल तक पूरी तरह से हट जाएंगे और इस साल अप्रैल मई में जो तैनाती वाली पोजीशन है उस पर पहुंच जाएंगे। हालांकि सैनिकों की वापसी की तारीख के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। 6 नवंबर को चुशुल में कमांडर लेवल की बातचीत में डिसएंगेजमेंट पर बातचीत हुई थी। कोरोना की बात करें तो देश में कोरोना में के लगातार सुधार होता नजर आ रहा है। महामारी से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 80 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना से सक्रिय मामले भी 5 लाख से कम रह गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 44,281 नए मामले सामने आए। इस दौरान भारत में कोरोना से 512 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल संक्रमित 86 लाख से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना ने अब तक 1,27,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। हालांकि अच्छी बात यह है कि देश में रिकवरी रेट 92.79% पर पहुंच गया है और मृत्यु दर गिरकर 1.48% पर आ गई है। देश में तो कोरोना काबू में है, लेकिन दिल्ली में बेकाबू। कोरोना ने यहां कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे अधिक नए केस दिल्ली में दर्ज किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो यहां रिकॉर्ड 7,830 नए केस मिले एक दिन में। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक मिले मरीजों की यह सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले रविवार को सबसे अधिक 7,745 नए मामले मिले थे। इसी के साथ दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,51,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 7,140 के पार हो गई है।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस साल छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। हालांकि दिल्ली वाले अपने घरों में या किसी निजी स्थल पर छठ का पर्व मना सकेंगे। छठ पर्व के लिए कोविड 19 दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस साल छठ पर्व 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों के जमावड़े और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी पाबंदियों में ढील देने पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है, सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई रणनीति है या नहीं। अदालत ने सरकार से पिछले दो हफ्ते में कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए उपायों पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। हाईकोर्ट ने कहा कि राजधानी में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। सीरो सर्वे के नतीजे दिखाते हैं कि दिल्ली में हर चौथा इंसान संक्रमित हो चुका है। वहीं देश की राजधानी में कोरोना से होने वाली मौत पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब दिल्ली के सभी सरकारी सैंपल कलेक्शन सेंटर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल देने आए लोगों का ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक करना भी अनिवार्य होगा। इससे संबंधित आदेश दिल्ली सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94% से कम होता है, तो उसे अनिवार्य रूप से डॉक्टर से परीक्षण कराने का परामर्श देना होगा।